तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अरे क्योंकि वो पेड़ में लगे होते हैं, हवा चलती है तो गिर के टूट जाते हैं। हम सब ने आसमान में हजारों करोड़ों तारों को देखा है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कभी तारों को टूटते भी देखा हो, और अगर नहीं भी देखा तो तारा टूटने की बात हम सब ने कभी ना कभी सुन रखी है। और फिल्मों में हमने ये भी देखा है कि जब कोई तारा टूटता है तो हम कोई अगर इच्छा मांग लेते हैं तो वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या सच में तारा टूटता है, और अगर तारा नहीं टूटता तो हमें तारे की तरह टूटता हुआ क्या दिखाई देता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तारे टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। तो इसका सीधा सादा सा जवाब है, वो आप भी जानते हो कि तारे कभी नहीं टूट सकते क्योंकि तारे पेड़ में नहीं लगे होते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं हमारा सूर्य, सूर्य हमारा नियरेस्ट स्टार यानी हमारा सबसे पास का तारा है, मतलब अर्थ से सबसे पास जो तारा है वो सूर्य है। तो जब भी आप कभी आसमान में सूरज को देखते हैं तो आप उसे किसी भी पेड़ से जुड़ा नहीं देखते होंगे क्योंकि सूर्य किसी पेड़ पे नहीं लगा है। सूर्य एक स्पेस में फ्री ऑब्जेक्ट है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि सूर्य को अपनी तरफ खींच सके और सूर्य उसमें फ्री फॉल हो जाए। फ्री फॉल का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वो गेंद डायरेक्ट नीचे आके उसी पॉइंट पे जहाँ पे से आप उस गेंद को फेंकते हैं वहीं पे आके नीचे गिरती है, वो इधर उधर या किसी और डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो ऊपर जाती है और डायरेक्ट नीचे आ जाती है। किसके कारण? अर्थ की ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस बॉल की ग्रेविटी से बहुत ही ज़्यादा होती है जिसके कारण वो छोटी सी बॉल अर्थ की ग्रेविटी में फ्री फॉल हो जाती है। फ्री फॉल का मतलब होता है ये। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर तारे नहीं टूटते तो हमें तारों की तरह टूटते हुआ क्या दिखाई देता है, क्योंकि तारे टूटते हुए हमको दिखाई देते हैं, तो अगर तारे टूटते ही नहीं तो वो हमें क्या दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि तारे की तरह टूटता हुआ वो हमें क्या दिखाई देता है। तो तारे की तरह जो टूटता हुआ हमें दिखाई देता है वो एक कॉमेट यानी एक धूमकेतु होता है। वो कैसे? तो हमारे सूर्यमंडल के बाहर एक बहुत ही बड़ा कॉमेट्स का ऑर्ट क्लाउड है जिसको ना आज तक कभी देखा गया है और ना ही कभी देखा जा सकता है क्योंकि स्पेस में बहुत अंधेरा है, और ऊपर से इसमें एक कॉमेट दूसरे कॉमेट से उतना ही दूर है जितना दूर शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से है। तो इसीलिए कभी इस ऑर्ट क्लाउड को देखा नहीं गया है, लेकिन ये ऑर्ट क्लाउड है और इसमें हजारों करोड़ों धूमकेतु हैं, और ये धूमकेतु मेटल और इनकी बाहरी परत बर्फ से बनी होती है, और ये धूमकेतु हमेशा हमारे सूर्यमंडल में लौट के वापस आते रहते हैं कुछ सालों में। आज तक ये तो नहीं पता किया गया कि धूमकेतु में लौट कर वापस क्यों आते रहते हैं, लेकिन ये लौट के आते हैं। तो जब कोई भी धूमकेतु सन की तरफ फ्री फॉल यानी उसकी ग्रेविटी में गिरने लगता है तो वो हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ता है। तो जब एक धूमकेतु बाहर से हमारे सौर मंडल में इंटर करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है नेपच्यून ग्रह का। तो नेपच्यून ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से उस धूमकेतु का रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है। उसी के बाद हमारे सौर मंडल में सूरज के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है बृहस्पति। उसके ऊपर बृहस्पति की बहुत ही तेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उसका रास्ता एकदम से बदल जाता है। उसी के साथ साथ वो हमारे सन की ओर फ्री फॉल तो हो ही रहा है, तो जब वो धूमकेतु हमारे सूर्यमंडल के अंदरूनी भाग में आने लगता है तो सूरज के पास होने लगता है, और जब वो सूरज के पास आता है तो सूरज की गर्मी से धूमकेतु की बाहरी परत तपने लगती है और धूमकेतु में जो बर्फ थी वो बर्फ पिघलने लगती है। तो जैसे ही सूरज की गर्मी से वो तपता है तो उसके बाद वो रूखा सूखा सा बर्फ का धूमकेतु चमकीला दिखने लगता है और बहुत ही सुंदर दिखने लगता है, और उसी के साथ साथ उसकी एक पूंछ भी बन जाती है। उसके बाद सूरज की गर्मी से धूमकेतु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखरने लगता है, और वो जो धूमकेतु की पूंछ थी वो पूंछ और बड़ी हो जाती है और धूमकेतु बहुत ही चमकीला और बहुत ही सुंदर दिखने लगता है कुछ ऐसे। लेकिन ये नज़ारा सिर्फ हमको ही सुंदर दिखता, लेकिन ये धूमकेतु का अंत होता है और पृथ्वी से ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसे ही हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि तारे टूटते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द लॉजिकल टॉक को। अगर आपको जानना है कि स्वादिष्ट खाना देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आपको जानना है कि कुछ लोग बौने क्यों रह जाते हैं
तो नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।